तो शिट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप निकल गए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हमारे जफर एरेटिक साहब, उनके जरिए से भी कई सारे लोगों का दिमाग खुल रहा है, तो ये जो एक्टिविज्म कर रहे हैं हम, काफी अच्छा उसका फल हमें देखने के लिए मिल रहा है। कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो और भी लोग छोड़ेंगे। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों, और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। शिड साहब, हेलो सर, कंफ्यूज जी जनाब, मोमिन है? हुआ अभी सर, कंफ्यूज अच्छा, आप भी कंफ्यूज हो गए? हो गया सर। कभी से कंफ्यूजन आया ये? कंफ्यूजन तो बहुत दिन से है सर, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूं। पहले कभी पक्के मोमिन थे? अच्छा, हाँ पहले था, पहले कितने नमाजे वमाजे पक्के थे? पढ़ता था, थोड़ा मोटा, उतना भी पक्का नहीं था। नमाजे वमाजे पढ़ते थे? ओके, हाँ कभी कभी। आयतुल कुर्सी याद है? नहीं आयतुल कुर्सी याद नहीं है। कौन सी सूरह याद है? उस सूर्य याद है, छोटा मोटा सूर्य याद है, वो नमाजे में सुनाओ जो ना, सुनाओ जरूरत सुनाओ होती थी। सुनाओ, जो याद है सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौम الدين, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, इहदिनस सिरात المستقيم, सिरात الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। माशाओ, सना याद है नमाज में जो अलहम से पहले पढ़ते हैं? खाना याद थी पहले, मतलब बहुत पहले नमाज पढ़ता था। ओके, कुछ कोशिश करो सना सुनाने की। सुभान सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह व बिहमदिक व तबारक اسمك تعالى جدك لا اله غيرك। वाह माशाओ, तो ये तो पास हो गए हमारे भाई शीट भाई। तो अब चैनल कब से देख रहे हैं हमारा? सर आपका चैनल मिलने से पहले मैं किसी और का चैनल देखता था, क्या नाम लिख सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, बताइए, कोई मुश्किल नहीं। जफर भाई का नाम सुने होंगे सर आप, आपके चैनल पे बहुत लोग आते हैं जफर भाई के नाम बिल्कुल से। सर जी, जफर साहब हमारे जो है वो बहुत बड़े मुर्तद है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मैं उनका डेली व्यूअर हूँ, वो उन्हीं का चैनल देखते देखते फिर एडम साहब का चैनल मिला, फिर आपका मिला ऐसे। ओके, तो क्या चीजें आपको फिर गलत लगने लगी इस्लाम में? सर मेरा सबसे मेन पॉइंट जो था वो था कि अगर दुनिया के सारे इंसानों को अगर अल्लाह ने बनाया तो फिर काफिरों को किसने बनाया, और अगर मोमिन जन्नत में जाएंगे फिर काफिर जहन्नुम के लिए बने हैं अगर, तो फिर उनको बनाया ही क्यों गया? सही, और मतलब जो काफिर के घर में पैदा हुए हैं वो पैदाइशी जहन्नमी, और जो उम्मत में पैदा हुए हैं वो पैदाइशी जन्नती। ये सब बिल्कुल। कॉन्सेप्ट मेरे को समझ ही नहीं आता सर। लेकिन मुल्ले हजरात जो है वो तो इसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि भाई आप जो है वो हाँ देते हैं आपका ना सर, टेस्ट है। हाँ देते हैं ना सर, ये टेस्ट कैसा वो टेस्ट? कन्विंस नहीं हुए आप अगर उनसे? नहीं मैं कन्वेंस नहीं होऊंगा ना सर, ये क्योंकि अगर अल्लाह को सब कुछ पता है तो उनको तो ये भी पता होना चाहिए कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। एग्जैक्टली, तो फिर टेस्ट का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो टेस्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता सर। आवाज आ रही है सर?
आ रही है बताइए। तो वही मतलब जफर भाई का एक शॉर्ट वीडियो आया, तब मैं मोमिन था, तो एक शॉर्ट वीडियो आया, उनमें मतलब बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे वो नवीन के जी बारे में। तो उस वक्त मैं मोमिन था, तो मेरे को गुस्सा आया, सोचा ये ऐसा क्यों बोल रहे। और आपके भी शॉर्ट्स आते थे सर, वो जो न्यूज चैनल पे थे, कौन? न्यूज चैनल होता है ना वो टीवी में, हाँ उनके हाँ शॉर्ट्स आते थे, वीडियोस शोज आपके। आते। नहीं ओके शॉर्ट नहीं शॉर्ट्स शॉर्ट्स, अरे आते यूट्यूब थे। का ओके शॉर्ट्स हाँ होता है ना, शॉर्ट्स हाँ चैनल। हाँ हाँ ठीक। हाँ वही 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 देखता था, तो ओके गुस्सा आता था, बड़ा गुस्सा आता था, ये कैसे बोल रही, ये ब्लास्फेमी कर रहे, पता नहीं और क्या क्या दिमाग में चल रहा था। फिर मैं बोला ठीक है, अगर गलत होंगे तो इनके साथ गलत तो होगा, तो मैंने जी देखना शुरू किया खुद को कन्विंस करके कि देखते हैं हाँ क्या बोलते हैं ये लोग। तो मैंने मतलब जफर भाई की सारी प्लेलिस्ट देख ली, और आपकी स्ट्रीम भी देखता रहता हूँ, एडम सर की भी स्ट्रीम देखता हूँ। अब 90% मैं कन्विंस हो चुका हूँ, बस फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, पता है ना सर आपको। जी जी मुझे पता है। फैमिली प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, और ये एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ा मसला हो जाता है उन एक्स मुस्लिम्स को निकलने के लिए। क्योंकि एक सबसे पहला जो सवाल उठता है वो फैमिली का ही उठता है कि यार फैमिली वालों को बताएंगे तो फैमिली वाले जो है नाराज हो जाएंगे, हो सकता है रिश्ते तोड़ दे, या तो बहुत सारी होती है। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा सिद्ध साहब कि आप तो पहली बात तो अगर आप यानी नौकरी वकरी करते हैं या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप उस हिसाब से फिर अपने फैमिली वाले को आहिस्ते आहिस्ते चीजें बताओ, या अगर फैमिली वाले नहीं भी मान रहे हैं तो आप किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो कि एक्स मुस्लिम हो या दूसरे रिलीजन वाली हो, ताकि आपकी जो जनरेशन है वो मोमिन ना बने। हाँ सर, ये जो आपने शादी की बात की ना सर, एक्चुअली जी मेरी क्रश है ना सर, पक्की वाली मम्मी ने, क्या हुआ? मेरी क्रश जो है, क्रश मतलब फ्यूचर में मतलब जिससे मैं हाँ सोचता हूँ शादी होगी मेरी, वो पक्की वाली मम्मी ने, अच्छा फुल दिमागी अपंग है। फुल दिमागी अपंग है। देखो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा डोज दो उनको, डायरेक्टली मत बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया है। आप उनको थोड़ा थोड़ा डोज दो कि भाई अरे ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये देख कैसी अजीब अजीब बातें लिखी है यार औरतों के बारे में, कितना गंदा लगता है, ऐसा करके आप थोड़ा 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 डोज दो। अगर वो भी निकल जाती है आपकी क्रश तो फिर आपकी लाइफ सेटल है भाई, मजे ही मजे फिर लाइफ में। वही तो सर, सर आप लोग जो हवाला देते हैं वो मैं जाकर के पहले वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हाँ हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ, ऐसा नहीं बात होती है मेरी, मैं बताता हूँ उसको धीरे धीरे, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना। हाँ हाँ मैं तो इसी वजह से पहले ही आपको बोल दिया ना कि आप थोड़ा थोड़ा डोज दो। अगर दिमागी अपंग है तो फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्टली बोल दोगे तो आपको भगा देगी फिर वो। यही यही प्रॉब्लम है सर, क्या बताओ, तहज्जुद बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ देगी। अगर वो नहीं छोड़ेगी तो आप क्रश को छोड़ दो और दूसरी क्रश पकड़ो फिर आप, या फिर कैंडी क्रश से काम चलाओ आप, ठीक है? दूसरी क्रश वही है, दूसरी वाली क्रश वही है, कैंडी अच्छा क्रश। दूसरी जो है तो नई क्रश पकड़ो भाई, अगर वो नहीं मानती है तो नहीं पकड़ो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये क्रश की चक्कर में तुमको क्रश कर देगी वो, हाँ सर सही बोले, है ना? तो शिट साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप निकल गए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हमारे जफर एरेटिक साहब, उनके जरिए से भी कई सारे लोगों का दिमाग खुल रहा है।
ये जो एक्टिविज्म कर रहे हैं हम, काफी अच्छा उसका फल हमें देखने के लिए मिल रहा है। कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो और भी लोग छोड़ेंगे। सिद्ध साहब के लिए भी एक गुलाब का फूल हो जाए यार जाने से पहले। सर क्या एक और विकेट गिर गई क्या अब साहिल? हाँ, तीसरी विकेट भी गिर गई है। वाह जी वाह 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 अभी वाह और वाह, हेलो तीन सर, विकेट वाह वाह, गिरेंगे सर। लेके आओ लेके आओ, आपके दोस्त लोग को भी उठा के लेके आओ। हाँ सर, मैं फोन करता हूँ, शेयर फोन कर दिया, करो, लिंक शेयर कर दिया, आप हाँ आने लिंक वाले शेयर हैं। के उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए। आज पूरा 10 विकेट लेंगे अपन। ठीक इंशाओम है, इंशाओम, 10 नहीं तो कम से कम 7 विकेट तो लेंगे मोहम्मद शमी की तरह। हाँ मोहम्मद शमी की तरह आज 7 विकेट लेंगे कम से कम। फिर अपने को भी मैन ऑफ द मैच मिलना मैन चाहिए भाई। फिर ऑफ द मैच क्या, मैन ऑफ द मैन सीरीज हो ऑफ द मैच में अपने को है ना वो किधर का हॉलिडे पैकेज चाहिए फिर। भाई। उसके लिए एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई से संपर्क करो। हाँ ये भी बात सही है। चलो शिट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू सो मच। आपके दोस्त लोग को बोलो ज्वाइन करने अभी।